31 तारीख रात 11 बजे मेरे फोन पे नहीं, मेरी ऑफिस की हमारे सेक्रेटरी की फोन पे एक कॉल आई। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिश्रा जी का, उनसे मेरा जान पहचान है, इसलिए कि मैं कभी कभी पीएम साहब के दफ्तर जाते हैं सीबीआई की डायरेक्टर चयन करने या सीबीसी की चयन करने, तो जान पहचान जरूर है। तो मुझे उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप सर, मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा इतने रात आपने फोन किया, प्राइम मिनिस्टर आपका कुछ बात कहना है क्या? कहते क्या नहीं नहीं मैं इसलिए आपसे जानकारी देने के लिए और आपकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया। मैंने कहा कहिए। ये सरकार एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, ये कमेटी में आपको शामिल करना सरकार की मंशा है। ये कमेटी की अगुवाई करेगी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट गोविंद साहब ने, और इसमें आप शामिल होंगे, ये सरकार चाहते हैं, आपका राय क्या है? मैंने कहा सबसे पहली बात, इतने रात आपने फोन किया तो सबसे बड़ा मैंने आश्चर्य हुई, फिर अच्छा लगे कम से कम रात हुई तो क्या है, बात तो किया आपने मेरे साथ। मैंने कभी कभी पीएम साहब से बात करना चाहते लेकिन बात नहीं होते क्योंकि फोन उठाने की कोई नहीं रहते वहां, तो कम से कम बात तो किए आपने, अच्छा लगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन आप जो सोच रहे हैं, सारे कागजात मेरे पास भेजिए, कागजात देखने के बाद मैं अपना विचार रखूंगा और उस समय आपको मैं जानकारी दे दूंगा। क्योंकि मान लीजिए जब हम सीबीआई डायरेक्टर की चयन करने जाते तो सारे कागजात मेरे घर में भेजा करते, सीबीसी की चयन करने जाते सारे कागजात मेरे घर में पहले भेजा करते। ये सारे कागजात देखने के बाद हमें कहीं नतीजे में पहुंचना पड़ता कि हम वहां जाके क्या कहेंगे। तो बेमतलब बिना किसी कागजात हवा हवा में मैं क्या बात करेंगे, और वो भी एक ऑफिसर के साथ। कोई मंत्री ने कहा मेरे को नहीं, कानून मंत्री थे, पार्लियामेंट मिनिस्टर थे, खुद गृह मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, किसी ने बात नहीं की। एक बाबू को हम मुझे बात करने के लिए भेजा और ओवर फोन पे, और वो रात 11 बजे की बात